दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि जो मार्केट में कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है, उससे हम लोग कैसे प्रॉफिट मिल रहा है, कैसे बेनिफिट मिल रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी मार्केट का जो मेन बेस होता है वो होता है कैपिटल। अगर किसी के पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो कैसे बिजनेस होगा। तो जैसा कि हम लोग बहुत न्यूज़ में आ रहे थे कि अभी काफ़ी बिकवाली का माहौल था, काफ़ी सेलिंग 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 चल रहा था, तो मार्केट काफ़ी डिक्लाइन हुआ था। तो अभी हर जगह अभी रिफ्रेश आप न्यूज़ करोगे तो यही अपडेटेड न्यूज़ मिलेगा कि हर जगह मार्केट में कैपिटल को इन्फ्यूज कर दिया जा रहा है। इधर USA गवर्नमेंट हो तो वहाँ पे जैसे $2 ट्रिलियन का कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.7 लाख करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन करने का अनाउंस किया। अब जैसे कि G20 का सम्मेलन हुआ तो वहाँ पे भी कैपिटल इन्फ्यूजन के बारे में चर्चा हो रही है। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अगर मार्केट में आपके पास पैसा आ जाए, लिक्विड बन जाए, तो आप क्या करोगे, बिजनेस को फिर से आप खड़ा कर सकते हो। उसी तरीके से आप निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे आपका 3.8% का ग्रोथ है। अगर आप कॉल कर लेते हो मार्केट में 8,500-8,300 का, तो यहाँ पे जैसे सपोर्ट भी देख सकते हो वहीं पे था, वहाँ से आप प्रॉफिट को अवेल करके आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। किसी पॉइंट पे कॉल को खरीदते हो 8,300-8,500, तो वहाँ पे से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे निफ्टी पे, यहाँ पे भी देखेंगे कि आप एक बार अगर प्रॉफिट बुक करते हो, अगर जैसे आप फिर से अगर मार्केट में इंटर करने की कोशिश करते हो कॉल बेसिस पे, तो आपका यहाँ पे लॉस बुक हो सकता है। बट अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो वहाँ पे अगर आप पुट को फिर से रिफ्रेश करके बाई करते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू अपडेटेड विद ऑल द लाइक बायर सेलर, किस चार्ट पे आपका कौन से आपका परफॉर्मेंस चल रहा है। हम लोग निफ्टी बैंक का भी देख सकते हैं, 18,364 से 20,409 के बीच इसका डेली एवरेज रहा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी का कितना पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि आपका 8,700 पे भी 16 लाख के, 9,000 पे भी आपका 22 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहा है। तो यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो काफ़ी ऊपर की ओर आपका मिल जाएगा। उसी तरीके से सपोर्ट जो इमीडिएट सपोर्ट आप देख सकते हो 8,600 के आसपास आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट हर एक प्राइस से मिल जाएगा और रेजिस्टेंस भी आपका ऊपर की ओर फॉलो करेगा। यानी कि मार्केट जब कैपिटल आ जाएगा तो मार्केट काफ़ी आपका बुलिश आपका मिलेगा। तो आपको आगे के समय में मार्केट भागता हुआ मिलेगा। हम लोग टॉप 10 गेनर देखेंगे तो जैसा देख सकते हैं, इंडसइंड बैंक ने कल 46% का जंप दिखाया। ये जो काफ़ी इन्वेस्टर लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी की बात रही, क्योंकि उनका जो काफ़ी डिक्लाइन दिख रहे थे, एलटी लार्सन, डब्ल्यू बजाज फाइनेंस, सब ने अच्छी रिकवरी मार्केट में दिखाई। भारतीय एयरटेल, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड भी अच्छी कंपनी है, तो HDFC, तो सब ने यहाँ पे अच्छी आपको प्रॉफिट बुक कराते हुए देखा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ कंपनियों लॉस में भी गए होंगे, कुछ प्रॉफिट हुआ तो लॉस में हुआ। तो जैसा कि देखते हैं कि अगर यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कंपनी प्रॉफिट है तो कुछ कंपनी लॉस में है। तो कुछ कंपनी लॉस में कौन कौन से है वो देखेंगे। गेल हो गया, लिमिटेड, HCLTech हो गया। तो ये भी अभी ये सब जो है, ऐसा नहीं कि आज डिक्लाइन हुआ तो कल ही अप नहीं होगा। तो ये अगर आज डिक्लाइन हुआ तो कल यहाँ पे आपको अप भी मिल सकता है, क्योंकि इन लोगों का डिमांड हमेशा बना रहेगा मार्केट में। उनके गैस का तो हमेशा डिमांड, जैसे ही आपका लिक्विड ONGC सब अगर क्राइसिस होता है तो गैस का ही डिमांड बढ़ेगा। उसी तरीके से हम लोग को डिमांड के बेसिस पे वर्कआउट करते रहना है कि अगर ये सब कंपनी है तो आज अगर डिक्लाइन हो तो कल इसमें भी हम लोग को ट्रेड करके प्रॉफिटिबिलिटी मिलेगा। क्योंकि आज ये डिक्लाइन किया तो कहीं ना कहीं ये डिक्लाइन किया तो कल अप जाएगा। तो यानी कि मार्केट जो है कंसोलिडेट करके आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका देती है। उसी तरीके से रिलायंस भी देख सकते हो, भले ही कल डिक्लाइन किया तो आपको फिर से वही कंसेप्ट अपनाइए, कल डिक्लाइन किया तो परसों अप जाएगा, फिर डिक्लाइन किया फिर अब, तो मार्केट अगर डाउन नहीं जाएगा तो अब कैसे जाएगा। उसी तरीके से हम लोग कंसोलिडेशन और सपोर्ट रेजिस्टेंस से वर्कआउट करके पैसे बनाने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडसइंड बैंक का डेली चार्ट। तो जैसे कि इंडसइंड बैंक का डेली चार्ट में देख सकते हो कि कल 45% का जंप दिखाया, यानी कि आपका 138 रुपये का, यानी कि 440 स्टॉक आ गया। तो अगर कहीं पे भी आप खरीदते हो तो यहाँ से आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। तो वी हैव टू ऑलवेज थिंक कि कैसे कैसे हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप डेली ट्रेडर हो, आप अगर डेली ट्रेडर में भी डिलीवरी बेसिस पे सिर्फ वर्कआउट करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 9:30 को आते हो और मार्जिन को यूज करते हो अगर 2 टाइम 3 टाइम, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा ही प्रॉफिट बुक होता है। उसी तरीके से आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा टारगेट 10% हो गया, तो देन यू लुक फॉर द अनदर 10%, देन यू गो फॉर अनदर 10%। फिर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो कि अगर सेलर ज़्यादा हैवी हो रहा है, फिर वहाँ पे सेलर आप बन के प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि कहीं पे भी आपको हमेशा ये सोचना
सोचना है कि आपको मार्केट से मार्जिन को अवेल करना है, बायर रहो या सेलर हो। बायर रहोगे तो आपको ऊपर जाके सेल करना है, सेलर रहोगे तो सेलर ऊपर जाके नीचे बाय करता है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सेलर बन जाओगे, आप यहाँ पे बाय कर लोगे, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा जो भी मार्जिन रहेगा। तो वी हैव टू लुक ऑल ओवर द बायर सेलर ऑल द वॉल्यूम चार्ट ऑल द चार्ट गिवन फॉर द ट्रेडिंग। सो हैव टू डू द टेक्निकल एनालिसिस एंड यू कैन अवेल द प्रॉफिट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 5 डे का चार्ट कैसा रहा। तो 5 डे में आप देखो कि अगर इंडस्ट्रियल का देखोगे तो ये स्टॉक वहाँ का वहाँ आ चुका है लगभग 440 के, अगर अप्रॉक्स देखोगे 470 पर, तो कहीं ना कहीं अपने आपको ये जो देख रहे हो 250 से रिकवर करता हुआ आपको 5 डे के जो मूविंग चार्ट है उसको एक फॉलो अप कर रहा है, यानी कि आपको वहाँ पे वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर आप इसका 5 डे का चार्ट देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बाउंस बैक करते हुए अपने आपको रिकवर कर रहा है, जैसा कि जो लोग बोलते हैं V-shaped रिकवरी यहाँ पे देखो तो ऐसे में चार्ट को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि 1 मंथ का कैसा चार्ट रहा। तो 1 मंथ में जैसा कोरोना वायरस काफ़ी सारे मार्केट में आपका फियरफुल फैक्टर बना हुआ था, तो काफ़ी मार्केट डिक्लाइन भी हुआ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी आपका डिक्लाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी आपका डिक्लाइन हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 61% का लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे यही है कि सारे ही स्टॉक में 50% के अप्रॉक्सीमेटली आपका डिक्लाइन, ऐसा नहीं किसी भी इंडस्ट्री में। तो कोई भी आप स्टॉक उठा कर देखो तो लगभग वहाँ पे 30-40% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये कि ओवर द पीरियड आपको ओवर द टाइम स्पैन इधर कपल ऑफ मंथ आपको एक बाउंस बैक करता हुआ मिलेगा, और एक जो है पॉजिटिव ट्रेंड जो फॉलो होते आ रहा है आज के जो अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आप घटिया स्टॉक के स्पन से कुछ छोड़ दो तो अच्छे स्टॉक में आपको ये फिर से बाउंस बैक करता है, क्योंकि ये जो फ्लू है वो कोल्ड फ्लू है, ऐसे ही समर आने वाले, तो आपको इजीली वो फ्लू का जो डेंजर है वो आपको निग्लिजिबल मिलेगा। और जैसे ही मार्केट में फिर से लोग वर्कआउट करने लगेंगे तो आपका जो है बिजनेस स्टार्टअप होंगे और बिजनेस के अनुसार आपका प्रॉफिट को बुक होगा और कंपनी आपको शेयर देगी। तो शेयर भी आप प्रॉफिटेबल कर सकते हो, डिविडेंड भी अनाउंस होगी तो डिविडेंड से भी कर सकते हो आप लोग। तो हमेशा आप निवेश करते रहो तो आपको प्रॉफिट मिलते ही रहेगा। तो यह था आपका 1 मंथ का। हम लोग देखेंगे 3 मंथ का। तो 3 मंथ का भी अगर आप देखते हो तो वही आप लगभग देख सकते हो कि इन्फ्लुएंस हुआ है मार्केट, और इसी दौरान हुआ है कोरोना वायरस के काल में, तो इस समय चक्र को आप देख सकते हो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है और ये 71% का डिक्लाइन को डिस्प्ले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, अब ये आपका डिक्लाइन डिस्प्ले कर रहा है तो बने रहिए, और आपको जो है आगे वाले समय में ये बाउंस बैक करता हुआ अब ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो आप कहीं पे भी अगर आप इसको बाय करते हो आज के डेट में, तो कहीं ना कहीं आप इसमें आप थोड़ी देर वेट करते हो, कपल ऑफ मंथ, कपल ऑफ वीक्स, आप कपल ऑफ वीक्स में भी यहाँ पे प्रॉफिट को अवेल कर सकते हो। 10% का टारगेट है 20%, क्योंकि देख लो आप लोग यहाँ पे जो है आपका काफ़ी डिक्लाइन स्टेट, मतलब कि जो 1600 का होता था आपको 440 में अगर आज के डेट में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 70% का जो डिक्लाइन है वो आपको प्रॉफिट बुक 70% अप जाएगा। जो अगर कंसोलिडेशन आप पीरियड देखोगे, अगर आपका 70% यानी इसको बोलते हैं डेली वोलेटिलिटी, वीकली वोलेटिलिटी, मंथली वोलेटिलिटी, अब मंथली वोलेटिलिटी इतना देखते हो तो यानी कि अगर ये इतना डिक्लाइन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का जो है मार्केट का प्राइस तो जीरो तो होने नहीं जा रहा, यानी कि वो क्या करेगा कि रिकवर स्टेट अपना करेगा। तो यानी कि कोई भी बिजनेस होती है तो अपना रिकवरी दिखाते हैं चाहे इन्फोसिस हो, चाहे TCS हो, चाहे रिलायंस हो, कोई भी इंडस्ट्री रहेगा तो जो अच्छी इंडस्ट्री वो हमेशा आपको रिकवरी को फॉलो करेगा। अब ये हो गया 6 मंथ का चार्ट। 6 मंथ के भी चार्ट को आप देखो, तो यहाँ पे आप 6 मंथ को चार्ट को देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो 1600 का, यहाँ पे आपका देख सकते हो कि 440 का, यानी कि यहाँ पे भी 71% का डिक्लाइन आपको मिल रहा है। यानी कि आप जब डिक्लाइन को फॉलो करते हो, फेवर करते हो, तो यहाँ पे देख दो कि यहाँ पे वही आपका थ्योरी वर्कआउट करता है कंसोलिडेटर, जितना नीचे जाएगा आपका वोलेटिलिटी उतना ही वोलेटिलिटी आपका पैरामीटर में अप होने की संभावना, यानी कि आपको कह सकते हो कि आने वाले पीरियड में अगर रिकवर करता हो आपको प्रॉफिट बुक करता हुआ मिल जाएगा, यानी कि आपको 2-3 times ही पैसे हो सकते हैं। अब वही है कि आप इसमें निवेश करिए, वेट करते रहिए, आपको वो प्रॉफिट देके आपको मालामाल कर दे। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीबैगर स्टॉक। मल्टीबैगर कुछ होता नहीं है कि आपको किसी भी समय के अनुसार पर फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि ईयर टिल डे, मतलब कि 2020 में इस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा, ईयर टिल डे आज के डेट में, मतलब 2020 से आज तक के डेट में क्या परफॉर्मेंस रहा, वही देख सकते हो आपका कि ग्रावल 70% दर्ज किया जा चुका है। और फिर एक रिकवरी जो है आप ये V-shape का भी आने वाले समय में देख सकते हो कि अगर इस ट्रेंड को फॉलो करता है तो यहाँ पे आपको रिकवरी करते हो आपको
अप ट्रेंड में मूव करता है, 400 का 800 होता है तो आपका 100% रिकवरी, 800 का फिर 400 का आपका 1200 होता है तो आपका 200% रिकवरी, 300 होता है तो आपका 4×12 1600 हो सकता है। मतलब कि अगर आप जितना निवेश करते हो, डेट डिपेंड ऑन यू कि हाउ मच यू इन्वेस्ट, हाउ मच वन सेक्टर यू कैन इन्वेस्ट, इधर फर्स्ट बैंक सेक्टर चूज, देन गो फॉर आईटी सेक्टर, देन गो फॉर एफएमसीजी, देयर वेरियस सेक्टर। तो आप कभी अपने पैसे को डिवाइड करिए और हर एक कंपनी में निवेश करिए, एफएमसीजी में, आईटी सेक्टर में, फिर आप अपने को हर जगह से प्रॉफिट 10% 20% आप टारगेट को अचीव करते हुए बुक करते रहिए। तो आप देख सकते हो आप 6 मंथ में, 1 ईयर में, रियल टेल्डेड में आपका प्रॉफिट आने वाले समय में हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं 1 ईयर का परफॉर्मेंस। तो लगभग आपका सब जगह सेमी ग्राफ मिलेगा, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आपका जो है 1600 1800 को फॉलो करता हुआ, ये जो है पहले तो उसी रीजन में वर्कआउट करता था, चूँकि अभी मार्केट कोरोना वायरस से काफ़ी पेयर को लोग डिक्लाइन हुआ, तो 74% आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिक्लाइन हुआ है। ये आपको आने वाले समय में भी रिकवरी करता हुआ देख के आपको प्रॉफिट बुक करवाएगा, क्योंकि इसमें हमने बात किया मैनेजमेंट से तो कोई डेप्थ नहीं है, ज़्यादा 2% का डेप्थ जो भी इसमें क्राइसिस के कारण हुआ है। और ये कंपनी अच्छे अपने मैनेजमेंट को भी अच्छे से मेंटेन करते हैं, जिनके मैनेजमेंट अच्छे होंगे उनका तो परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग पिछले बार में 1 ईयर का देखे, तो अभी 5 ईयर का भी देखोगे तो आपका 52% ओनली लॉस यहाँ पे दिखा रहा है, बट ये भी जो है आपका रिकवरी के स्टेट में भी आ रहा है, तो ये आपको रिकवर करता हुआ एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो करता है तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल आप अगर आप यहाँ से देखते हो तो एक अप ट्रेंड कोई हो रहा था, बट अगर आप यहाँ से अगर देखते हो यहाँ पे देखते हो यहाँ पे देखते हो, बट ये थोड़ा भी जो है कोरोना फियर फैक्टर, तो इसको अगर आप अगर समय में देखते हो अगर इसको रिकवरी करता तो ये अप ट्रेंड को फॉलो करता हुआ आपको पॉजिटिव स्लोप में मिलेगा और आपको प्रॉफिट बुक देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई आर सी टी सी। दोस्तों काफ़ी कुछ समय में लोअर सर्किट ही बना रहा था, -5% -5%, बट कल के डेट में अभी कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर, तो कहीं ना कहीं अब जो है मार्केट रिकवरी को मूव कर रहा है, जैसा कि रेजिस्टेंस अभी 9000 ऊपर भागे जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम देखेंगे कि मार्केट जो है आगे आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट में पैसे गए हैं तो फिर आपको जब इन्फ्यूज होंगे तो आएंगे तो मार्केट क्या होगा, मार्केट आपको वर्कआउट करेगा और आपको परफॉर्मेंस देगा और आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि कंपनी विल अर्न एंड ही विल दे विल शेयर द मनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी सी एस भी आपको 3% का आपको यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बुक किया। तो कहीं में भी जब अच्छे कंपनी में निवेश करते हो, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कंपनी जो 1800 से 2300 के जनरली लास्ट 1 ईयर 2 ईयर में मूव कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि वहाँ पे जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो उस रीजन में आप रहते हो, तो आप डेली के बेसिस पे भी अपना प्रॉफिट 1% 2% बुक करके आप प्रॉफिट को अवेल कर सकते हो। फिर आपका अगर टारगेट है कि स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो कि आप 5% का टारगेट है 10% का टारगेट है, तो वहाँ पे भी आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। तो उसी तरीके से हर चीज़ को आपको एनालिसिस करना है कि हमारा टारगेट वीकली है, मंथली है, हाफ एनुअली है, क्वार्टरली है, एनुअली है, तो उस टारगेट को आता है तो उसके बीच में आपको डिविडेंड मिलते रहता है, तो वहाँ से भी आपको पैसे मिलते रहते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं HDFC। तो HDFC भी बेस्ट कंपनी है, हर समय मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही बेस्ट स्टॉक है। अब टॉप 5 की NSE की कंपनी में आप निवेश नहीं करोगे तो किस में करोगे, उसी तरीके से आप निवेश करोगे तो कहीं पे भी आप डे ट्रेडर भी रहोगे तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट डे ट्रेडर को यही रहता है कि हमेशा चार्ट को देखते रहिए, बायर सेलर हर एक ग्राफ को पढ़ते रहिए, और जैसे ही आप ग्राफ को पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे बायर हावी हैं तो वहाँ पे बायर बन के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे लगता है सेलर हावी हैं तो यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर लगता है बायर, तो उस तरह मार्केट आपको 2-3 चांस देती है एक दिन में, तो आप वहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो वी हैव टू लुक द कि हमको कहाँ पे प्रॉफिट मिल जा रहा है और फिर वहाँ से हम लोग को विजिट कर जाना है। तो यहाँ पे आपका बायर देन सेलर, तो यहाँ पे आप बायर बन जाइए, सेलर बन जाइए, फिर यहाँ पे आपको लग रहा है बायर बनना है, यहाँ पे आपका छूट गया, यहाँ पे आप सेलर बन जाइए, यहाँ पे फिर बायर बन जाइए, तो यू कैन अर्न द प्रॉफिट इन अ डे कपल ऑफ टाइम्स, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये माय रेफरेंसेस फॉर द स्लाइड्स। थैंक यू दोस्तों।